हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, शेड, और फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के जितने भी सर्कल्स बॉक्स ए में यहां पर हमें गिवन है, उसके 1/2 पार्ट को हमें शेड करना है। और किसी भी नंबर का अगर आपको 1/2 निकालना है, तो आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि उस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा उस नंबर का 1/2 कितना है, और जितना भी आंसर हमारा आएगा, हम उतने ही नंबर ऑफ सर्कल्स को यहां पर शेड कर देंगे। अब देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 यहां पर है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 4 यहां पर है, 4 + 4 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 यहां पर है, यानी 8 + 4 12। तो टोटल सर्कल्स कितने हुए, 12। और अभी ये जो 12 सर्कल है, ये जो 12 सर्कल्स हैं, हमें इसका 1/2 निकालना है, और जो आंसर आएगा उतने ही नंबर ऑफ सर्कल्स को शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 12 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 12 इस 2 से कट जाएगा। कैसे, देखिए 2 1 द 2 एंड 2 6 द 12। अब न्यूमरेटर में क्या है, 6, और यहां पर न्यूमरेटर में क्या है, 1, तो 6 × 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 6, और डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमने 12 का 1/2 निकाला, तो हमें आंसर मिला 6। तो 6 सर्कल्स को हमें शेड करना है। अब यहां पर किन्हीं भी 6 सर्कल्स, किन्हीं भी 6 सर्कल्स को आप यहां पर शेड करके दिखा सकते हैं। जैसे हम यहां पर, अब ये पहला सर्कल हमने ये शेड किया, ठीक है, ऐसे ही हमने ये दूसरा सर्कल शेड किया, फिर ये तीसरा सर्कल शेड किया, फिर ये चौथा सर्कल यहां पर शेड किया, फिर ये पांचवा और ये छठा। आप कोई भी 6 सर्कल यहां पर शेड करके दिखा सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स कि जितने भी नंबर ऑफ सर्कल्स यहां पर थे, उसका हमें 1/2 निकालना था और उन्हें शेड करना था। तो हमने 12 का 1/2 निकाला। किसी भी नंबर का 1/2 कैसे निकालते हैं, उस नंबर को लिखिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, हमें मिला 6। तो 12 में से जो 6 सर्कल है, उन्हें हमने यहां पर शेड करके दिखा दिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, यानी बॉक्स बी में जितने भी ट्रायंगल्स हैं, पहले तो हमें उसका 2/3 पार्ट निकालना है, और जो हमारा आंसर आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हमें शेड करके दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ काउंट करेंगे कि कितने ट्रायंगल्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 3 ट्रायंगल्स तो यहां पर हैं, 3 यहां पर है, 3 + 3 6, और 3 ट्रायंगल्स यहां पर हैं, तो 6 + 3 9। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, 9, और हमें 9 का क्या निकालना है, 2/3 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर में 9 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, ये 9 इस 3 से कट जाएगा, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। अब यहाँ न्यूमरेटर में है 3 और यहाँ न्यूमरेटर में है 2, 3 × 2 करेंगे तो 3 × 2 आपको मिलेगा 6, अपॉन में क्या है, 1 1, हम लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 9 का 2/3 पार्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमें यहां पर मिला 6। तो यहां पर जो 9 ट्रायंगल्स हैं, उनमें से किन्हीं भी 6 ट्रायंगल्स को, किन्हीं भी 6 ट्रायंगल्स को हम यहां पर शेड करेंगे। तो यहां पर हम 6 ट्रायंगल्स को शेड करते हैं। हमने ये एक ट्रायंगल शेड किया, ऐसे ही ये दूसरा ट्रायंगल शेड किया, फिर ये तीसरा किया, ये चौथा ट्रायंगल शेड किया, ये पांचवा किया, और ये 6 यानी छठे ट्रायंगल को भी शेड कर दिया। आप इन 9 ट्रायंगल्स में से किन्हीं भी 6 ट्रायंगल्स को यहां पर शेड करके दिखा सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। इस बॉक्स में हमें जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन हैं, हमें पहले तो उसका 3/5 निकालना है, और जो हमारा आंसर आएगा उतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हमें शेड करना है।
तो सबसे पहले तो यहां पर हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें गिवन है। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है, ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 5, 5 + 5 10 हुए, 1 2 3 4 5, 10 + 5 15, यानी कि यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन है 15। तो सबसे पहले हम इस 15 का 3/5 फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ 15 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में है 15 और यहाँ डिनोमिनेटर में है स्टूडेंट्स 5, तो ये 15 इस 5 से कट जाएगा। देखिए 5 1 द 5 और 5 3 द 15। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 3 है, 3 × 3 करेंगे तो 3 × 3 होता है 9, अपॉन में 1 है, 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 15 का जो 3/5 हमने फाइंड आउट किया वो कितना आ गया है 9, यानी कि हमें यहाँ पर जो 15, जो 15 स्क्वायर्स गिवन है उसमें से 9 स्क्वायर्स को हमें शेड करके दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम किन्हीं भी 9 स्क्वायर्स को शेड करके दिखा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये पहला स्क्वायर शेड किया, फिर ये दूसरा स्क्वायर शेड किया, अब ये तीसरा स्क्वायर शेड किया, इसके बाद ये फोर्थ किया, ये फिफ्थ, फिर हमने इस सिक्स्थ स्क्वायर को भी शेड किया, फिर सेवेंथ, ये एट और फिर ये 9। 9 स्क्वायर्स को यहाँ पर हमने शेड करा है क्योंकि यहाँ पर हमें 15 स्क्वायर्स गिवन थे और हमने जब 15 स्क्वायर्स का 3/5 निकाला तो हमें 9 मिला। तो यहाँ पर आप किसी भी किन्हीं भी 9 स्क्वायर्स को शेड करके दिखा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।